नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं ताल कहरवा। ताल कहरवा जो होता है, बैठवा कहरवा जिसको हम बोलते हैं, आठ मात्रा का ये ताल होता है और आज हम इसको बजा के भी देखेंगे और इसको मैं आपको बोल भी बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बोल जो हैं, धा तिट तिन तिन, ता तिट धिन धिन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसे पिछली वीडियो में हमने देखा था कि मैंने आपको बताया था कि तबले की पार्ट्स कौन से होते हैं, ठीक है, और तबला कैसे बना, तो आप वो भी वीडियो आप ज़रूर देखें, उससे भी आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। ठीक है, और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बैठवा कहरवा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक एक बोल जो है प्रॉपरली बताऊँगा। ठीक है, बड़े ध्यान से आपने इस वीडियो पे फोकस करना है और लास्ट तक देखना है। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल धा। धा जो है दोनों हाथों से बज रहा है, तबले पे किनार पे आ रहा है, ठीक है, और डगे वाले हाथ पे ये वाली फिंगर हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, बजा रहे हैं धा। ठीक है, धा तेट। ठीक है, तेट जो है ये शाही के अंदर आ रही है, तेट। ठीक है, धा तेट तिन 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 जो अंदर बजेगा ये मैदान के अंदर। ठीक है, तिन तिन, धा तेट तिन तिन, ता ता सिंगल आ रहा है, ठीक है, सिंगल मारना किनार पे, धा तेट तिन तिन, ता तेट जो धिन है वो अंदर बज रहा है दोनों हाथों से। ठीक है, तबले वाले साइड पे जो है अंदर मैदान पे आ रहा है, ठीक है, धिन धिन। ठीक है, दोनों फिंगर 1 2, ठीक है, बड़ी वाली और छोटी वाली, धिन धिन। ठीक है, तो आगे दोबारा देखते हैं, धा तेट तिन तिन, ता स्टूडेंट। तो आपने जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी, इसी लय में आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इससे आपको फायदा है, ठीक है, और आपके जो बोल क्लियर आएंगे सुनने वालों को भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।